एक्चुअली पहले ये रेसिपी नहीं बना रहे थे, पहले हम अलग रेसिपी बना रहे थे, पर जब सब्जी लेने गई तो सब्जी वाला भैया बोलता है कि भाभी ये करेला ले लो, करेला कौला कौला करेला लेके आया हूँ। तो हम लेके आए हैं कौला करेला। यंग है, फ्रेश है, पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है, पर कौला तो नहीं अच्छा लग रहा है, क्या बोले। और उसमें से हम बनाएंगे क्रिस्पी चिप्स, कौले करेले की क्रिस्पी चिप्स। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बारिश के टाइम में अगर कोई एक सब्जी जो सबसे बेस्ट मिलती है वो है करेला। अब करेले का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का तो मुंह ही खराब हो जाता है, पर ट्रस्ट मी, आज जो मैं करेले से रेसिपी बना रही हूँ जो कि है क्रिस्पी करेला रिंग, ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, कहीं से भी कड़वी नहीं लगती है, और प्लेन दाल चावल के साथ ये करेला रिंग्स खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो करेले की क्रिस्पी रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले करेले को हमें इस तरह से रिंग्स में काटना है। तो वो कैसे काटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये करेले को मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है, और अब हम इसको आगे और पीछे से ऐसे हल्का सा काट लेंगे। और करेले की स्किन में बिल्कुल भी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश एंड टेंडर करेला है। और ये जो एक चम्मच की मदद से ये जो इसके बीज हैं वो हम निकाल लेंगे। और अब ये करेले की हम पतली पतली रिंग्स काट लेंगे। अब ये सारी करेले की जो रिंग्स है इसको मैं एक बोल में ले लेती हूँ। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश करेला है, इतना कड़वा नहीं होता है, पर फिर भी हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि करेला जितना भी अपना कड़वापन है वो ओज आउट कर ले। आधा घंटा हो चुका है और आप देखेंगे कि करेले ने ये पानी भी ओज आउट कर लिया है। बस यही टाइम पे मैं ये करेले को एक ऐसे किचन टॉवल पे फैला दूंगी। ये ऐसे करेले की रिंग को फैलाने से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा। हम करेले को अच्छे से ऐसे डैप कर देते हैं। अब करेले को वापस से बोल में ले लेते हैं और सारे मसाले उसके ऊपर छिड़कते हैं। अब ये करेले में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ बेसिक मसाले, जो कि है मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ऐड कर देती हूँ चुटकी भर हींग, और लास्ट में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जितना आमचूर पाउडर। ये ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी ये मसालों के साथ मैं नमक बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि हमने करेले में पहले ही नमक डाला हुआ था। लास्ट में चख के ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर आपको अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड करनी है तो यही टाइम पे वो भी कर सकते हैं आप। अब मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून जितना बेसन, और साथ में ही ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जितना चावल का आटा। चावल का आटा ना ये रिंग को अच्छे से क्रिस्पी बनाएगा। और अब 1 चम्मच जितना मैं तेल ऐड कर देती हूँ। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें सिर्फ 1 चम्मच पानी ही ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा वो बैटर बनाते हैं वैसा नहीं बनाना है, वैसे सूखा ही रखना है। चलिए, सारी रिंग्स तो बेसन और चावल के आटे से कोट हो चुकी है, तो अब इसको पकाते हैं। अब ये वाली रिंग्स को आप चाहो तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। 180 डिग्री पे आपको पकानी है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 मिनट के लिए, पर बीच में एक बार उसको फ्लिप ज़रूर करिएगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको तवे पे भी बना सकते हैं। एक तवे में हम हल्का सा ही ऑयल लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून जितना, और फैला लेंगे। और अब ये सारी रिंग्स को मैं एक एक करके लेके ऐसे तवे पे फैला दूंगी, और ये रिंग्स को हमें एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आराम से पकेगी, इसको दोनों तरफ पकने के लिए 10 से 12 मिनट लगेंगे। और अब ऊपर भी हम हल्का हल्का सा ऑयल का ब्रश लगा देंगे। एक बार ये सारी रिंग्स हम पलटा के भी सेक लेते हैं। ये देखिए, मज़ेदार सी करेले की रिंग्स तो बन के रेडी है। अब मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, ये करेले की रिंग क्रिस्पी भी बनी है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं।
इतना मजेदार है ना ये, नो वर्ड्स, कहीं से भी कड़वा नहीं लग रहा है, टू गुड। बच्चों के लिए स्पेशली ना, बहुत अमेजिंग रेसिपी है।